इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मेरे हाथ ना जाम हो चुके हैं, तो जूते के लेस बांधो तो बंद ही नहीं रहे मेरे से। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, है ना। टैक्सी मतलब ये दिखती तो बस है पर है टैक्सी टाइप, मतलब है टैक्सी पर दिखती बस टाइप की, है ना। यहाँ पे क्या फेमस है? अच्छा जो खाने की चीज बता रहे थे भाई, क्या बता रहे थे खाने में? सिटू। सिटू कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे क्या सोचा, क्या लेने वाले हो आप यहाँ पे शॉपिंग में, क्या खरीदने वाले हो? मतलब यहाँ की लोकल चीज लोगे ज्यादा, ऊन से बनी हुई चीजें ज्यादा फेमस है ना। ओ ऊन के जूते भी मिलते क्या यहाँ पे? मैं सोच रहा हूँ कि एक यहाँ पे लेके जाऊँ, और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना शिमला में तो ये गर्म कपड़े ले सकते हो, काफी शानदार है, सस्ते भी है। सॉरी शिमला में आओ गर्म कपड़े लेके जाओ, क्या बात है ना। हे गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि मैं आया हुआ हूँ शिमला में। तो शिमला में हम लोग घूमने के यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें घूमने की दिखाएंगे कि यहाँ पे अब जब आप आओगे तो क्या क्या घूम सकते हो, और उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पर खाने में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, पहनने में क्या फेमस है यहाँ पे, खाने में पहनने में और ख़रीदने में शॉपिंग क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं शिमला के अंदर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ नीचे जाएंगे ना, माल रोड। सही फेमस एरिया माल रोड है ना। ठीक है, यहाँ देखिए कपड़ा, ओह गर्म कपड़े बिक रहे यार, कितने के पूछता हूँ। ये तो गर्म है, ओह काफ़ी गर्म है। अरे भैया कितने रुपए का ये, कौन बेच रहा है? 500 रुपये। 500 रुपये में? ओ भाई यार मस्त यार, ये तो गर्म भी है, निकालना इसको। अरे ये नहीं टोपी, यही है ना। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ शिमला में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? अरे सब कुछ फेमस है, क्या नहीं मतलब मेन ये कि आपकी टोपी ज्यादा फेमस है। हाँ बिल्कुल फेमस है, है ना। लोकल कल्चर, लोकल कल्चर हिमाचल का। हाँ सही है भाई, सही है। और खाने में क्या फेमस है? अरे खाने में तो सिड्डू घी है। सिड्डू घी हम भी खाएंगे। पहाड़ का खाना जो है सबसे मस्त खाना जो है वही है। हाँ और पहनने में कोट और टोपी वाली तुम्हारी, सही है। कोट, हाँ ऊन का कोट जैसे मैंने पहना हुआ। अच्छा हाँ, और ये टोपी। अच्छा ये टोपी सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, हाँ, ये देख ले, लाल रंग की हो हरे रंग की हो ऐसे भी हो, ये शिमला का कल्चर, हिमाचल कल्चर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिमला में आया हूँ, हिमाचल की राजधानी शिमला है, शिमला में आया हूँ। शिमला में एक चीज बताऊँ, ठंड बहुत पड़ती है अभी, हालांकि धूप निकली हुई है पर मेरे हाथ है ना बर्फ की तरह कांप रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 4 पड़ रहा है आपको। वो भाई कहाँ भाग गया दुकान वाला, आना यार। तो टेम्परेचर 4 पड़ रहा है यहाँ पर, देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे पसंद आया सबसे ज्यादा ये गरम कपड़े यहाँ पे। अरे वाह यार क्या मस्त लग रहे, देखो कितने के बता रहे भाई ये? 500 रुपये में। मैं सोच रहा हूँ कि कल बर्फ में जाना ही है, इसी को पहन के चल जाओ भैया, अंदर बर्फ घुसेगी नहीं घुसेगी, ठंड नहीं लगेगी, गर्म होता है। ओहो काफी गर्म होता है यार, ये मस्त लग रहा है मेरे को। सोच रहा हूँ इसको ले लूँ, या तो ये कलर या तो फिर ये कलर, है ना मस्त लग रहा ना। मात्र 500 रुपये में कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार। मैं सोच रहा हूँ कि एक यहाँ पे लेके जाऊँ, और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना शिमला में तो ये गर्म कपड़े ले सकते हो, काफ़ी शानदार है, सस्ते भी है। 500 की बता रहा बंदा, पर कम ज़्यादा अगर आप कराओगे तो कम ज़्यादा भी कर लोगे ना, थोड़ा बहुत तो कर लोगे, थोड़ा बहुत कर लेगा अगर आप बात करोगे तो। मेरे को मस्त लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ आते समय मैं इसको खरीद के जरूर जाऊँगा। अभी ब्लॉग बनाने आ रहा हूँ, ब्लॉग बनाने के बाद खरीद के जाऊँगा। और ये देखो यहाँ पे पैंटें भी मिलती है, ये कितने की है? ये 500 का दो है, ये 500 रुपये में दो पैंट है। ये भी गर्म है भैया, भैया कश्मीर सॉरी शिमला में आओ गरम कपड़े लेके जाओ, क्या बात है ना भैया। क्या बेच रहे हो आप? जुराब बेच रहे भाई साहब। जुराब? जी जुराब है। और ये हाथों का ग्लव्स? हाँ ग्लव्स है। कितने का है? मोटा वाला? मोटे वाला 100 रुपये के दोनों है। 100 रुपये में तो दिखाना, वो वाला दिखाओ इसमें से निकाल के। खत्म हो गया क्या? अरे बड़ा बड़ा गजब बिक रहा, ठंडी ज्यादा है ना तो जल्दी बिक रही है सामान। चलो ठीक है। और एक चीज बता दो, कश्मीर के सॉरी शिमला के लोग है ना, ये देखो ये भैया पहन के जा रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए ये बंदा पहन के जा रहा है। और यहाँ के लोग ये ज़्यादातर ऐसे का ये पहनते जैकेट, ये देखो कॉट। और वो बंदा देखो ये पहन के जा रहा है, मस्त लग रहा है। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात बता दूँ, अगर आप लोग पैदल चलोगे ना, पैदल चलने से ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ और यहाँ पे जो व्यू देखने को मिलता है ना वो पैदल से मिलता है। देखो मेरे को कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। अगर यही मैं गाड़ी से आ जाता ना अभी, उससे कितना है रिक्शा से या फिर टैक्सी से आता ना, तो मुझे ये व्यू जो देख रहा हूँ ना मैं, इतना शानदार पब्लिक चलते हुए आ रही है पैदल, तो वो सब देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ की जो फेमस खाने की चीज़ें, वो खाने की चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर हम लोग घूमने की चीज़ें बताएंगे। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे खाने की चीज़ें। चल रहा था यहाँ पर, चलते चलते मुझे ठंड लग गई, ठंड तो लगी रही है। और पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जूते के लेस भी नहीं बन रही मुझसे यार, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। देखो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मेरे हाथ ना जाम हो चुके हैं, तो जूते के लेस बांधो तो बंद ही नहीं रहे मेरे से, और हाथ भी काले हो गए मेरे तो।
कोई बात नहीं, बाकी घूम रहे मजा आ रहा है। हाथ बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं यहाँ पे, मैं ग्लव्स पहन के रखना पड़ेगा ना। तुमने बैठने से बढ़ाया होगा ना, बैठने से गोरा हो जाता है। देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, मस्त लग रहा है यार। अब वो खाने की चीज़ें आप लोगों को बताएंगे हम आप लोगों को, यहाँ माल रोड में क्या फेमस है खाने की चीज़ों में। कितने कमरे होंगे इसके अंदर कम से कम बैठ के? कोई आइडिया नहीं है, 500 तो मान के चलो आराम से, है ना? ज़्यादा ही होंगे, 5000 मान लो, 5000 बैठ तो होंगे आराम से। भैया कमेंट करके, ये क्या है? देखिए यहाँ पे खाने पीने चीज़ें बिकती हैं, देख सकते हो मूँगफली वगैरह हैं, ये आप आकर के यहाँ पे ले सकते हो। गजक भी है, मूँगफली भी है, ठंडी का साधन है सबसे ज़्यादा। मूँगफली इंसान को गर्म रखती है ना, मतलब मूँगफली खाओ तो खाते हो चबाते हो जाएंगे तो इंसान गर्म रहता है, इससे ठंडियों के लिए सबसे बढ़िया। क्यों चाचा सही है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूँगफली का काम होता है। अभी हम भी मूँगफली लेते हैं और खाते हैं। और ये जो बताया हॉस्पिटल, अंकल जी ये बताइए इसमें कितने बेड होंगे कम से कम? फिर भी अंदाजन 5000 तो होंगे आराम से, है ना? 5000 कम से कम होंगे यार, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये हॉस्पिटल यहाँ का। और खाने पीने चीज़ आप बताते हैं आपको। एक चीज़ बताओ, ये मेरा भाई है ना, ये किसान भी है, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इनके यहाँ किसानी होती है। सबसे ज़्यादा खेती में क्या उगाते हो आप साइड में? सेब। तो फिर वो सेब ला करके यहाँ मार्केट में बेचते हैं आप, है ना? तो ये शिमला के, मतलब तुम्हारे यहीं के हिमाचल के सेब है ये? हिमाचल के सेब है। देखिए यार हिमाचल में सबसे ज़्यादा फेमस है सेब, कितने लाल लाल सेब हो रहे हैं यार। पूछते हैं चाचा जी से, कितने रुपए किलो हैं चाचा जी? कितने? 160 रुपए किलो सेब है यहाँ पे, देख सकते हो। तो ये हिमाचल सेब है, हिमालयन सेब, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ले सकते हो। और तो ये फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पे, है ना? यहाँ से कहाँ के लिए ये बसें मिलती, कहाँ कहाँ के लिए? संजोली के लिए मिलती, खास संजोली के लिए। और अगर अपन कहीं और जाना है तो उसके लिए अलग से लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो सबका अलग अलग बस स्टैंड है या फिर एक ही बस स्टैंड है? अलग अलग है। अगर हर एक एरिया में जाने के लिए अलग। यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट एरिया है, मतलब जहाँ पे अपन जी को जाना है बस पकड़ के, ये वाली टैक्सी, मतलब ये दिखती तो बस है पर है टैक्सी टाइप, मतलब है टैक्सी पर दिखती बस टाइप की, है ना? ये मार्केट आ गया, अब लोग हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ, क्या बोलते हैं, चर्च। हाँ माल रोड, चलिए। ओहो क्या शानदार लग रहा, देखिए पूरा मार्केट है ये, आप यहाँ पे मार्केट में विजिट करते हुए जा सकते हो आराम से। नए लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो और मस्त लगता है ये। अच्छा ये बताओ, ये जो एरिया था जहाँ पे बस मिलती है जी, इसको क्या बोलते हैं एरिया का नाम? लक्कड़ बाजार। यहाँ से आगे लक्कड़ बाजार शुरू है। ये वाला एरिया कौन सा? ये लक्कड़ बाजार, ये लक्कड़ बाजार एरिया है, आप देख सकते हो। लक्कड़ बाजार एरिया में आओगे तो आपको कौन सा जाना था अपन को, 10 किलोमीटर यहाँ से, मतलब 3 किलोमीटर कहाँ जाना था? नहीं आपका, हमारा हाँ संजोली। अगर आप लोगों को संजोली एरिया में रूम लेना है, होटल लेना है और रुकना है तो आप लोग लक्कड़ बाजार आ सकते हो। लक्कड़ बाजार से आपको टैक्सी मिल जाती है। बाकी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का मेन जो मार्केट है, मेन बाजार है, जो कहाँ जा रहे हैं अपन? माल रोड जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा माल रोड जा रहे हैं हम, फेमस है यहाँ का, तो वहीं जा के आपको बताते हैं। क्या शानदार लग रहा, देखिए यहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे काफ़ी शानदार चहल पहल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं ना, इस वजह से। देखिए ये बंदा भागते हुए जा रहा है, इसको लगता है रूम की ज़रूरत है जल्दी से। इसके पास भी देखिए कोट मिल रहे हैं, ये जैकेट, इससे पूछते हैं। अरे भैया जी कितने के ये वाले आपके? 500। कुछ कम ज़्यादा होगा इसका? थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, 500 रुपये फिक्स। ज़्यादा दे देंगे, चलो कोई बात नहीं, भाई कह रहे हैं कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिक्स रेट है। जूते भी इनके पास 400 रुपये से स्टार्ट है जूते, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, ठंडा गर्म का सामान मिल जाएगा आपको जी। तुम्हारे यहाँ का जो अगर कोई इंसान बाहर से आ रहा है खरीदने, खरीदारी करने, तो क्या क्या मिलता है? ऊन से बनी हुई चीज़ ज़्यादा फेमस है ना? ओ ऊन के जूते भी मिलते क्या यहाँ पे? वाह यार, ये कितने कांगे दुकान वाला कोई है क्या? ये कितने के होंगे भाईजान जूते? है 200 रुपये का जूते है, देख सकते हो यहाँ पे, ये ऊन के बने हुए यार, मस्त लग रहे ना, ऊन के जूते यहाँ पे 200 रुपये का। और यहाँ पे ये देखिए, ये कान का लगाने का है, ये टोपा है, जो मोजे मोजे हैं यार ये तो, और ये बच्चों के लिए देख सकते हो यहाँ पर। और ये क्या सोल है? ये यहाँ की सोल भी बहुत फेमस है शायद। और ये देखिए ये भी है, सोल का पूछ लेते हैं भैया जी, लास्ट सोल का बता दो क्या है? 380 रुपये की शॉल है, ये भी बहुत फेमस है। देखिए मैडम ने पहन रखा है इन्होंने शॉल यहाँ पे, फेमस वाली। चलिए आपको दिखा दिया है हमने सब कुछ, यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा मिल जाएगी आपको। देखो
यहाँ पे मेडिकल भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया भी है ना, कैफेस एरिया भी है, और जनरल हाय जनरल स्टोर भी है, और ये शायद यहाँ का क्या बोलते हैं लकड़ी का कल्चर है ना। देखिए यहाँ पे लकड़ी का कल्चर भी है, मतलब लकड़ी की बनी हुई चीजें मिलती है यहाँ पर, मेड इन हाथ है ना शायद ये, मेड इन हैंड क्या बोलते हैं देखिए तो क्या बोलते हैं, हैंड हैंडमेड हैंडमेड। आप भी यूट्यूबर हैं क्या? नहीं। अच्छा घूमने आए? अच्छा कहाँ से आए आप लोग ये बताओ ना। हम लोकल हैं। लोकल हैं क्या? अच्छा ये लोकल हैं तो फिर तो आप तो बता सकते हो। तो ये बताओ तुम्हारे लोकल में सबसे ज्यादा फेमस क्या क्या है, क्या क्या है लोकल्स में? जैसे कोई बंदा बाहर से टूरिस्ट आता है उनके लिए यूनिक क्या है? जैसे हम अजमेर से हैं, अजमेर में हमारे यहाँ सोन हलवा खाने की चीज फेमस है, और ले जाने में हमारे यहाँ राजस्थानी टोपी है, राजस्थानी कपड़े हैं। यहाँ पे क्या फेमस है? राजमा चावल। अच्छा जी, चाइनीज चाइनीज पराठा पकड़ना इसको। अच्छा तो गाइस मैं यहाँ पे घूम ही रहा था, हमें हमारे दोस्त मिल गए, बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तो इन्होंने हमें गाइड कर दिया यहाँ के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इन्होंने हमें गाइड करा, इन्होंने बताया कि भाई अगर आप लोग शिमला में आ रहे हो ना, अच्छा यहाँ पे घूमने में क्या क्या शिमला में? शिमला में आपको मॉल है, जाकू मंदिर है ऊपर। अच्छा जाकू मंदिर है और मॉल घूमने का, मॉल भी है यहाँ पे? सामने रोड है। अच्छा आपके पास मॉल भी है, और बाकी मेन बाजार मार्केट कौन सा यहाँ का? परे और क्लोथ बाजार। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे मतलब ये कि शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जो खाने में चीज बता रहे थे भाई, क्या बता रहे थे खाने में? सिटू। सिटू कहाँ मिलेगा? सिटू हाँ यहाँ तो शायद ही नहीं फेमस है, तो कहाँ मिलेंगे? चलो हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं इनका। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो नाइस टू मीट यू सर। तो ये हैंडमेड यहाँ पे देख सकते हो, कोई होगी दुकान की बात है नहीं, आके देखेंगे। सरदार जी देखिए, सरदार जी हैं यहाँ पर। अच्छा सरदार जी ये बताइए कि ये कितने रुपए का होगा बैग? ये है जी 1200। 1200 रुपीज़ का है, काफ़ी शानदार। ये हैंडमेड है ना शायद? मेड इन हैंड, सब यहाँ पे मेड इन हैंड मिलेगा आपको। और अरे वाह यार ये देखिए, ये किस काम में आती है टोकरी? अच्छा सो यहाँ पे किस बताओ, ये टोकरी है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये काहे के काम में आती है? हाँ ये कितने का होगा पाजी? थ्री हंड्रेड रुपीज़ का। इसके अंदर पता है गांव के लोग जो होते हैं ना, गांव के लोग इसके अंदर सेब रखते हैं और केले फ्रूट वगैरह रख करके इसको लेके जाते हैं ना। मस्त लग रहा है ना? हाँ मस्त लग रहा है। हाँ जी यहाँ पे मैडम जी आए हुए, ये देखिए। तो यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, वो ज्यादातर खरीदारी करते हैं। क्या लिया आप लोगों ने अभी, क्या क्या खरीदा यहाँ से? अभी सर दूरबीन लिया हमने। अभी शॉपिंग करना स्टार्ट ही करा, ये देखिए दूरबीन लिए उन्होंने, मतलब ये कि यहाँ का हिमाचल का, हिमाचल का नेचर देखने के लिए दूरबीन लिए, पास से दिखना चाहिए। सही है यार। तो यहाँ पे क्या सोचा, क्या लेने वाले हो आप यहाँ पे शॉपिंग में, क्या खरीदने वाले हो? देखो मार्केट घूम रहे हैं, क्या क्या लेते हैं, मतलब यहाँ की लोकल चीज लोगे जाता है। बिल्कुल चलिए। तो आप है कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से आए, क्या बात है। और एक चीज मैं बता दूँ, यहाँ के जो होम है ना मेरे को बहुत शानदार लगते हैं, यहाँ के घर बने हुए जो है इनका जो लुक होता है ना बहुत शानदार लगता है मेरे को। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें, ये फेमस मार्केट है ना भाई? फेमस मार्केट है इस मार्केट के अंदर भाई। और कुत्ता, और सबसे यूनिक चीज बताऊँ यहाँ के कुत्ते, इनके बाल देख सकते हो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे ना तो इतने खतरनाक इनके बाल नहीं होते कुत्तों के, देख सकते हो। यहाँ पे मोटे मोटे कुत्ते, इनके बाल भी बड़े मोटे मोटे हैं यार, है ना। मतलब ये कि ठंड से बचाव के लिए ये कुत्ते क्या करते हैं भाई? गली-गली में छुप जाते हैं। हाँ और नहीं तो फिर ये अपने मतलब अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं कि इनको ठंडी ना लगे, इनके बाल खुद के बढ़ा लेते ही है। मतलब देख सकते हो आम एरिया के जो कुत्ते देखेंगे ना, मतलब दिल्ली साइड के या राजस्थान साइड के, उनके बाल मतलब शरीर में नहीं रहते ज्यादा। हाँ और यहाँ के और कुत्तों के बाल तो पूछो ही मत। और ये देखो बंदर, यहाँ जगह जगह आपको मंकीज दिख जाएंगे। देखो हाय, देखो मुझे देख रहा है आईफोन लेके। हाँ कुछ कह नहीं सकते भैया, वो देखो आया, कोई आया, उसका भाई बंधु ऊपर से आया। अब यार मजा आ गया, मतलब कुछ भी कहो। अब हम लोग का मेन वहाँ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे फ्लैग लहरा रहा है, देखिए वहाँ जा रहे हैं हम मेन। कहा जाता है, किसी ने मुझे कहा था कल, मैंने किसी से बात करी थी, यहाँ की जो हिस्ट्री है ना बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों ने बसाया था ये ऊपर का एरिया ना, और कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने बसाया था तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे थे वो इंडियंस को, है ना। क्या मामला, क्या यहाँ का हिस्ट्री, क्या क्या सुना है तुमने यहाँ के बारे में?
बताइए क्या क्या सुना है आपने? है ना, देखिए ये भी है गर्म ठंडी में भाई, ये गर्म चीज़ें बहुत आपको काम आने वाली है। यहाँ पे आओ ठंडी में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ में घूमो। ये बताइए भैया, अगर इसको हम बर्फ में पहन के जाएंगे तो कोई इशू थोड़ी ना है? बर्फ में नहीं पहनना, घर में। अच्छा घर में पहन सकते हैं ठंडी में? ठंडी के लिए जैसे। कितने रुपए के वैसे ये? 100 रुपए के हैं, बड़े सस्ते हैं यार, देख सकते हो, मात्र 100 रुपए में चप्पल है। दिखाइए एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि ये चप्पल लेके जाऊँ यार मेरे घर वालों के लिए, मेरी अम्मी के लिए ले जाऊँ, मस्त लग रहा है। कल सोच रहा हूँ मैं जैसे यहाँ से रवानगी लूंगा तो एक जोड़ी में ये जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे को चीज लग रही ना बहुत शानदार लग रही है। 100 रुपए में तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कम ज्यादा अगर करना ना चाहता 80 रुपए में कर देंगे मोहब्बत में, बाकी कैच नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मतलब घर के अंदर पहनने का मेन में। ठीक है भैया, सोखते वाले के कह सकते हैं, इसको सोखते वाले चप्पल बोल सकते हैं, कमरे के अंदर घर के अंदर जो पहनते लोग उसके लिए कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या, ओ ये क्या चीज़ें दिखते खाने में? देखिए कुछ खाने में यहाँ पे मिल रहा है, देखते क्या है ये, क्या खाया है सुबह में, क्या है भाई ये? कुलचा। कुलचा, कुलचा है क्या? अच्छा ये कह सकते हो कि आप शिमला का कुलचा है ना? कितने रुपये प्लेट है भैया? 40 रुपए का शिमला का कुलचा है, मतलब ये कि इसके अंदर वो छोला और कुलचा दोनों एक साथ हाथ में दे दिया इन्होंने। तो राजस्थान में आप देख सकते हो प्लेट में देते हैं, पर यहाँ पे क्या बर्गर टाइम में आपको हाथ में देते हैं जिससे आप खा सकते हो। तो कैसा है भाई टेस्ट कैसा, क्योंकि मैं तो खा नहीं रहा हूँ, काफ़ी स्पाइसी। अच्छा है मतलब, ठीक है भैया। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हमारी तरह यंग लोग हैं ना वो बंदे ना बात करने में घबराते नहीं है, नहीं? हाँ सही बात है, बात खुल के करते हैं यार, ये बात अच्छी लगी यहाँ पे। देखिए मफलर वगैरह यार काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जो आप ले सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए लेडीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी शानदार है, वाह है। और ये है शिमला की जैकेट, जो मैं सबसे ज़्यादा मार्केट में लोगों को पहनते हुए देखा था मैंने, ये सबसे ज़्यादा लोग ये इसको पहन के यहाँ पे घूम रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। कितने का आंटी जी ये? 750 का है, देखो 750 रुपये का, थोड़ा कम ज़्यादा आप करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है बाकी। तो ये सबसे ज़्यादा लोग शिमला के लोग पहनते हैं ना, लोकल लोग पहनते हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर है तेरे पास मेड इन, ये देखिए सब ये मेड इन हाथ है। वाह यार ये देखिए मफलर कितने मस्त लग रहे हैं ना, ये देखिए रेट भी लिखा हुआ है, मफलर शॉर्ट्स है ना, 450 रुपये, 350 रुपये, जैसा माल वैसा पैसा। ओहो क्या बात है, शानदार है यार, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। तो ये पहुंच गए हम लोग मेन टूरिस्ट पैलेस में पहुंच गए। देखिए भाई हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए शॉर्टकट बना रहे हैं। ये देखिए ये गर्म कपड़े आए हैं, ये देखिए, ओह देखिए मस्त है यार, सारे टूरिस्ट ज़्यादातर यही पे आए। बर्फ़ गिर जाती तो पता नहीं बाजार लगता, नहीं लगता बर्फ़ गिरती तो? नहीं लगता, नहीं लगता पर कम कम। ये देखिए टोपी जिसकी बात मैंने करी है, ये हिमालयन टोपी ना, अभी हम भी देखते हैं ट्राई करके कितने का है। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखी यूनिक चीज़ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है हिमाचल प्रदेश की और खास करके शिमला की, तो वो है यहाँ की ये टोपी। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इस चीज़ को अट्रैक्शन करते हैं, क्या कह सकते हैं, एक अट्रैक्ट करती है चीज़। कितने की भैया? 120 रुपये की मात्रा आपको ये टोपी मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा कलर मेरे ऊपर अच्छा लगा, पर ये पहन के देखता हूँ, अगर मुझे ये अच्छी लगी तो मैं ये ले लेता हूँ पहन, ट्राई करके देखता हूँ। मेरे साइज की नहीं है, देखिए ये पहन के देखता हूँ कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना मेरे को। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, 120 की बता रहे, कुछ कम ज़्यादा रेट करना पड़ेगा, देखते कुछ कम ज़्यादा करके देखते। बाकी मस्त है, मस्त लग रही है ना? हाँ मस्त लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैंने कल बताया था, कल यहाँ पे मैं खाने आया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है छोले कुलचे, कल मैंने यहीं पे खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा वो था, मैंने कल खाया था यहाँ पर। तो पूछते हैं भैया से क्या रुपये प्लेट है, भैया कितने रुपये प्लेट है ये, कितने रुपये प्लेट है आपका ये छोले कुलचे? कितने भैया? 70 रुपये के। ये देखो ये बड़े वाले जो छोले कुलचे हैं ये 70 रुपये प्लेट है, और अगर एक्स्ट्रा कोई पाव लेता तो भैया कितने रुपये लगेंगे? 20 रुपये। तो काफ़ी टेस्टी है, और ये दुकान में ना बहुत ज़्यादा क्राउड लगता है इनकी दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ का छोले कुलचे खाने आते हैं। शायद देखिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट और लोकल भी यहाँ पे इनकी दुकान में खाने आते हैं। अगर आप लोग शिमला में आ रहे हो तो खास करके इनकी दुकान पे आ सकते हो, इनकी दुकान का नाम है सीताराम सुन। ये भाई ने खा लिया है, भाई कैसा था टेस्ट इनका? शानदार था, चलिए मतलब काफ़ी शानदार टेस्ट है, हमने तो कल खाया था, हमने भी खाया था। बाकी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें बिक रही है टूरिस्ट के, और यहाँ पे देखिए बैठने की चीजें हैं। यहाँ पर आइए दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं ना, यहाँ पे घूमने आते हैं फिर यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं। यहाँ से जो ये पहाड़ी का व्यू है, ये पूरा पहाड़ी का व्यू लेते हैं, मजा लेते हैं पहाड़ी का, और फिर उसके बाद घूमते हुए सीधा वो जो सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट पैलेस पॉइंट है ना, टूरिस्ट पॉइंट में वहाँ पे चले जाते हैं यहाँ पर से। देखिए गाइस, हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे पूरा मार्केट दिखा दिया, काफी शानदार मार्केट था। ये घूमने बैठने की जगह है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाने के बाद है ना, मैं यहाँ पर आकर के थोड़ा रील वगैरह भी बना लूंगा। काफी शानदार व्यू आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो ये अगर पहाड़ी में बर्फ गिर जाती ना यहाँ पर, तो ये जो व्यू आता ना वाइट वाइट, क्या शानदार लगता, मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली बर्फ कोई बात नहीं, पर फिर भी हिमाचल तो हिमाचल है, शिमला तो शिमला है, काफी शानदार खूबसूरत लग रहा है। ये देखो लगता है ये बंदे यहीं के हो आप लोग। हाँ जी, बर्फ कब गिरती है यहाँ पे? पहले गिरती थी, अभी नहीं गिर रही है। अरे यार, तो पिछली बार कब गिरी थी बर्फ? पिछली बार तो गिर गई थी दिसंबर, दिसंबर में गिर गई थी। अभी जनवरी आगे गिरी नहीं है। क्या मैंने सुना था बीच में बर्फ गिरी थी यार अभी? ना ना नहीं गिरी थी, एक बार भी नहीं गिरी। कुफरी में गिरी थी, यहाँ एक बार भी नहीं गिरी। अरे यार, कब तक गिर सकती है शायद अंदाजन? 26 के आसपास में गिर सकती है। चलो बहुत बहुत अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? ये लोकल ही हो? लोकल ही पर्सन है भैया। और ये देखो कल्चर लोकल, ये देखिए भाई ना गरम गरम पहन रखा पूरा। क्या नाम है ब्रो? तो धूप बहुत ज्यादा चटक खतरनाक हो गई है, हमें हमारे कुछ यहाँ पे दोस्त मिल चुके हैं, मतलब सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। मेरा भी नाम साहिल है। तुम्हारा? अभिनय। वरुण। भगत। भैया सबसे बड़ा भगत है, देख सकते हो। तो चलो इसने तो बोला भाई की भाषा तो हरियाणवी लग रही है, बाकी अच्छा लगा भाई से मिलके। चलो नाइस टू मीट यू।